हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का आज 8th लेक्चर है। इसमें हम जो आपका टॉपिक चल रहा था वो था विपणन धारणा के मुख्य घटक। तो आज आपका थर्ड घटक है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, लंबी अवधि के लाभ के लिए कार्य करना। ठीक है, तो इसमें है व्यावसायिक संगठन, सरकारें और लाभ रहित संस्थाएं आदि। व्यावसायिक संगठन जैसे कि कमिंस हो गया आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सरकारें मतलब गवर्नमेंट आप समझते ही हैं, है ना। और लाभ रहित संस्थाएं, लाभ रहित संस्थाएं किन्हें कहते हैं? वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिट होती है, ठीक है आदि। सभी प्रकार के संगठन लंबी अवधि की जिम्मेदारियों के बारे में सोचते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मार्केटिंग के अंदर जितने भी संगठन होते हैं वो सभी प्रोडक्ट को लेके या किसी भी माल को लेके लंबी अवधि की मतलब एक प्रॉफिट के माध्यम प्रॉफिट के पर्पस से एक लंबी अवधि की मतलब जिम्मेदारी वो इस तरीके की लेते हैं कि उनको लंबी अवधि तक लंबे समय तक प्रॉफिट प्राप्त होए, है ना। तो उसको सोच के वो कार्य करते हैं। तो ये इसी बारे में कह रहे हैं कि सरकारें हो गई या फिर नॉन प्रॉफिट संस्थाएं हो गई या फिर प्रॉफिट वाली संस्थाएं हो गई, है ना। जितने भी संगठन आ जाते हैं इनके अंदर, आपकी कंपनी, फैक्ट्री, एजेंसीज वगैरह, जो भी इन सब कार्यों को करने का एक माध्यम है और प्रोडक्ट बनाने का, ऑल ओवर जो ये कार्य आपका हो रहा है, ये सभी लोग किसी भी प्रोडक्ट का जब निर्माण कर रहे हैं, उसे बना रहे हैं और उसे ग्राहक तक पहुंचाने तक वो यही सोचते हैं कि हम इस प्रोडक्ट के बारे में ऐसा क्या डालें या ऐसा क्या करें कि ये लंबे समय तक हमारा चले, इसमें क्या गुण डालें। तो उसके लिए एक जिम्मेदारियाँ होती हैं, है ना, कि हमें किस तरीके से कार्य करना है, क्या क्या कार्य होने चाहिए या उसके अंदर हम क्या क्या अपनी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो उसी पर्पस से ये बता रहे हैं कि अभी फिर इसमें आगे आता है आपका व्यवसाय तभी फ़ायदेमंद हो सकता है जब यही साल यदि साल दर साल, देखो व्यवसाय तो बिजनेस हो गया आपका, ठीक है। फ़ायदेमंद का मीनिंग तो आप समझते ही, मतलब आप समझते ही हैं, है ना, फ़ायदा देने वाला, है ना। फ़ायदेमंद हो सकता है जब यदि साल दर साल, साल दर साल, दर साल ये किसको कह रहे हैं, ईयर आफ्टर ईयर, मतलब कि अगर इस साल हो गया तो अगले साल भी, है ना, हमें प्रॉफिट देता रहे। उस पर्पज़ से ये कह रहे हैं उपभोक्ता मतलब कि ग्राहक की ज़रूरतें पूर्ण होती रही, मतलब कि जो भी बिजनेस है वो तभी फ़ायदेमंद होता है जब उससे उपलब्ध होने वाली, उस बिजनेस द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तुओं से हर साल, है ना, साल दर साल मीन्स हर साल या आने वाले सभी सालों में, मतलब ग्राहक की ज़रूरतों कि मतलब ज़रूरतें पूर्ण होती रहे, है ना। ग्राहक अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करता रहे उन प्रोडक्ट की प्राप्ति से, है ना। और शेष अपेक्षाएं मतलब ग्राहक के बारे में बात हो रही है, शेष अपेक्षाओं, शेष मीन्स आप समझते ही हैं, मतलब जो बचा हुआ, है ना, और बची हुई मतलब कि जो आवश्यकताएं पूरी हो गई वो तो हो ही गई प्रोडक्ट्स को पाकर, है ना। और जो बाकी शेष अपेक्षाएँ हैं मतलब एक्सपेक्टेशंस है जो ग्राहक की बाकी शेष की, हाँ अब ये तो हमें प्राप्त हो गया जो कि हमें आवश्यक था, जिसकी हमें आवश्यकता थी, लेकिन अभी और भी कुछ है जैसे कि हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो उसी के बारे में कह रहे हैं शेष अपेक्षाओं का परिचालन बना रहता है तो व्यवसाय आवश्यक रूप से लाभदायक होता है। मीन्स कि वही कह रहे हैं, ये बिजनेस वाले ये बात बोल रहे हैं कि अगर जो हमारा माल है वो हर साल उसी तरीके से बिकता रहे और ग्राहक को पसंद आता रहे, है ना, और उनकी आवश्यकताएं पूरी होती रहे, तो हमारा
बिजनेस में जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमें लंबी अवधि तक या लंबे समय तक साल दर साल हमें प्रॉफिट देंगे, और घर इसी तरीके से घर की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहेंगी। और वही है कि और इसी बहाने जैसे कि ग्राहक आ रहा है, कुछ वो सामान ले जा रहा है और कुछ वो बता के जा रहा है कि इस तरीके का सामान उसे चाहिए, तो वो ये बोल रहे हैं शेष अपेक्षाओं की अपेक्षाओं का परिचालन बना रहता है। मतलब कि परिचालन का मीन्स यहाँ पे होता है ऑपरेटिंग, है ना। तो वो ये कि उनको पता लगता रहे कि ग्राहक की और क्या नई आवश्यकताएं हैं या अपेक्षाएं हैं। ठीक है, तो इसमें आगे आता है व्यवसाय आवश्यक रूप से लाभदायक हो गए लाभदायक होगा। इसके बाद है इसमें वे ही संगठन सफल होते हैं जो उपभोक्ता संतुष्टि को मतलब उपभोक्ता की संतुष्टि को भी कह सकते हैं, है ना, उपभोक्ता संतुष्टि को सहारा देने वाले कार्य। देखो यहाँ पे ना ये लोग बीच बीच में थोड़ा आपको बड़ा बड़ा एग्जांपल देंगे, तो आपको जैसे कि मैं अगर आपको एज ए मीनिंग समझाते रहूँ तो थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन जब आप नोट करोगे तो हर लाइन को पहले अपने शब्दों में, और फिर मतलब थ्योरी तो आप नोट करते ही हो जो आपको दी जाती है, और लेकिन उनको अपने शब्दों में भी थोड़ा थोड़ा करके लिखना ताकि आप ये सब क्लियर लिख पाए, है ना। तो इसमें यहाँ पे ये है इसमें वे ही संगठन सफल होते हैं, इसमें वे ही संगठन, संगठन मीन्स आपको पहले भी बता दिया है ना, वे ही संगठन सफल होते हैं जो उपभोक्ता की यहाँ पे आप लगा लेना, उपभोक्ता की संतुष्टि को सहारा देने वाले कार्यों जैसे विपणन अनुसंधान। आपको ये कल ही समझाया था मैंने, विपणन अनुसंधान मतलब मार्केटिंग के अंदर जो भी खोजें की जाती हैं, जो भी रिसर्च की जाती हैं, है ना। अब उसका भी इन्होंने मीनिंग दे रखा है ब्रैकेट में, जैसे कि इन्होंने विपणन अनुसंधान को इन्होंने ब्रैकेट में दे रखा है, यह जानने के लिए कि उपभोक्ता क्या चाहता है। ये भी मार्केटिंग का ही एक, जो मार्केटिंग का हो गया, और एक होता है कि मतलब जो उपभोक्ता वो होते हैं निर्माता होते हैं उनकी भी एक रिसर्च होती है, वो होती है उनके कार्य को लेके, और जो मार्केटिंग रिसर्च होती है वो होती है बेसिक मेनली तो ग्राहक को लेके, है ना। तो यह जानने के लिए कि उपभोक्ता को क्या चाहिए, तो ये हो गया विपणन अनुसंधान। ठीक है, फिर आगे आते हैं आगे आपका है कहाँ थे हम, विपणन सेकंड है आपका उत्पाद सुविधाएं। अभी ये जैसे मैं वही आपको बता रहे हैं, सॉरी उत्पाद डिज़ाइन, सुविधाएं नीचे हैं उत्पाद डिज़ाइन, तो मतलब जो प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइन। उपभोक्ता क्या चाहता है, क्या चाहता है बनाने के लिए उत्पाद, मतलब कि ग्राहक को क्या उत्पाद चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए कि वो बनाया जाए। ठीक है, फिर आता है आपका उत्पाद सुविधाएं, फिर उसको उन्होंने ब्रैकेट में बताया हुआ है उपभोक्ता उत्पाद की कार्य कुशलता, और कार्य कुशलता मतलब वर्क इफेक्टिव, है ना, मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो कार्य करता है, मतलब जो भी प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का जो भी कार्य होता है उसकी क्या इफेक्ट्स रहते हैं, है ना, ग्राहक के लिए वो कैसा रहता है। और देखिए एक तो यहाँ पे आ गया आपका कार्य कुशलता के बारे में, वैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है ना, और आगे हो गया आपका गुणवत्ता, गुणवत्ता गुणवत्ता मतलब कि प्रोडक्ट के बारे में उपभोक्ता जो होता है, ग्राहक जो होता है वो प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी देखता है और उसकी कार्य कुशलता भी देखता है, मतलब कि उसकी श्रमिक शक्ति कह लीजिए या वर्क इफेक्ट कह लीजिए, क्वालिटी हो गई आपकी, गुणवत्ता के बारे में भी क्या चाहता है को बनाने के लिए।
फिर क्या चाहता है के बाद इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, क्योंकि इस तरीके के ग्राहक के क्वेश्चन होते हैं इसलिए इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। जितने भी ये ब्रैकेट में आपको इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं, फिर क्या आगे लिखा है, सेंटेंस को पूरा करने के लिए को बनाने के लिए, मतलब उपभोक्ता ग्राहक के लिए जो प्रोडक्ट बना रहा है उसमें उसको बनाने के लिए क्या क्या करें, मतलब वो सारे आपके क्वेश्चन मार्क के अंदर आ गए। तो ये जो पूरा ब्रैकेट में है वो आपका है उत्पाद सुविधाएं, मतलब उत्पाद सुविधा के अंदर ये चीज़ आती हैं। फिर कॉमा लगा के आपका नेक्स्ट आता है पॉइंट अभिवृद्धि। तो अभिवृद्धि को आप क्या कहते हैं, मीनिंग हो गया इसका ग्रोथ, है ना। तो इसको इन्होंने क्या कहा है, उपभोक्ता क्या चाहते हैं और कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, ये तो हो गया उनके क्वेश्चन कि उपभोक्ता क्या चाहते हैं और कहाँ उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब आ गया आता है क्वेश्चन मार्क के बाद की जानकारी देने के लिए विज्ञापन, मतलब कि मतलब ग्राहक के लिए ये जानकारी देने के लिए विज्ञापन बनाना, ठीक है, कि वो उस प्रोडक्ट को कहाँ प्राप्त कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट में क्या चाहते हैं, वो हमने इस प्रोडक्ट में डाला है या नहीं डाला है, तो उसके लिए क्या होता है विज्ञापन, ठीक है, उसके हेल्प लेते हैं किसकी, विज्ञापन की, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके वो। फिर आगे इसमें है और उपभोक्ता सेवा सुविधाओं एवं उपभोक्ता की कुछ अन्य ज़रूरतों को संतुष्ट करने के लिए भारी लागत लगाता है। तो ये किसके बारे में बोल रहे हैं, मतलब निर्माता के बारे में बोल रहे हैं एक तरीके से, कि वो उपभोक्ता को सेवा देने के लिए, मतलब ग्राहक को सेवाएं देने के लिए, सुविधाएं देने के लिए कुछ अन्य उसकी ज़रूरतें की मतलब संतुष्टि करने के लिए, उसको सेटिस्फेक्शन देने के लिए भारी लागत लगाता है अपने प्रोडक्ट पर, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके से ग्राहक को ये नापसंद ना हो, है ना। फिर आता है इन निवेशों से एक शब्द है अंत तोगत्वा, तो इसका जो मीनिंग है वो है फाइनली, ठीक है। तो इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं आखिरकार, या कुछ भी लिख दिया कि फाइनली, है ना। तो है इन निवेशों से आखिरकार लाभ मिलता है, क्योंकि उपभोक्ता निरंतर मतलब कि लगातार, निरंतर मतलब लगातार उन्हीं उत्पादों को खरीदता है। तो जब इन सारी प्रोसेसों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है तो ग्राहक को डेफिनेटली वो चीज़ बहुत पसंद आती है। तो जब कोई चीज़ बहुत पसंद आएगी तो हम उसको बार बार खरीदेंगे, बार बार यूज़ करेंगे, तो वो लंबे अवधि तक बिकता रहेगा जब तक उसमें ग्राहक को कोई ख़राबी नहीं दिखती या उससे बेटर कुछ नहीं आ जाता, तो ग्राहक उसी चीज़ को यूज़ करता रहता है। तो वो क्या होता है निरंतरण, क्योंकि उपभोक्ता लगातार उन्हीं उत्पादों को मतलब प्रोडक्ट को खरीदता है जो सर्वश्रेष्ठ रूप से उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सर्वश्रेष्ठ मतलब बेस्ट, है ना, सबसे बेस्ट रूप से उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं जिससे बिक्री बढ़ती है। वही हो गया वही बात जो मैंने आपको बोली कि इससे बिक्री बढ़ेगी, और जितनी बिक्री बढ़ेगी उतना ही माल एजेंसी से शॉप्स पे जाएगा, और शॉप एजेंसी पे जो माल आ रहा है वहाँ से आ रहा है फैक्ट्रियों से, निर्माताओं की कंपनियों से, है ना। तो लंबी अवधि तक लाभ प्राप्त होता है। तो इसी का मतलब हो गया कि जब माल जितना ज़्यादा बिकेगा तो उतनी ही लंबी अवधि तक हमें उसका प्रॉफिट भी प्राप्त होगा। तो ये इसी की यही हो गया बेसिकली कि ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही ये कार्य किया जाता है। तो उसी को कह रहे हैं ये लंबी अवधि के लिए लाभ मतलब लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करना, लंबी अवधि तक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाए, कैसे निर्माण किया जाए, ठीक है।